बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू PFAB यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड के पार्ट नंबर 2 यानी अल्फाबेटिकल कीपैड की कीज़ को स्क्रीन रीडर के साथ यूज़ करना सीखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि अल्फाबेटिकल कीपैड जिसे कहते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल कीज़ भी होंगी और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और इसके साथ कुछ असिस्टेंट कीज़ भी होंगी। चलते हैं एस्केप के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। ग्रोव ये एक साइन है और उसके बाद 1 से 9 0 और डैश माइनस भी इसे कह सकते हैं, और डैश जो डैश लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद इज इक्वल टू इक्वल का बटन है और उसके बाद बैक स्पेस पे ये लाइन ख़त्म हो जाती है, जो कि हम इसके फंक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखें थर्ड लाइन का पहला बटन लेफ्ट टू राइट कॉर्नर की तरफ, टैब के बाद अल्फाबेट्स हैं QWERTYUIOP, उसके बाद तीन बटन और होंगे लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट और बैक स्लैश। ये भी आपके मैथ के साइन हैं और इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ लाइन या अल्फाबेटिकल कीपैड की थर्ड लाइन, ये असल में ये जॉज की अनाउंस कर रहा है, ये असल में कैप्स लॉक की है, जिसे अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ये एज ए इंसर्ट की यूज होगी, और अगर आप तेजी के साथ दो दफा प्रेस करेंगे तो ये कैप्स लॉक के तौर पे यूज होगी। उसके बाद ESDFJKL सेमीकोलन अपोस्ट्रॉफी और एंटर, ये तीन बटन होंगे जो कि हम बाद में साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अल्फाबेटिकल कीपैड की फोर लाइन में देखते हैं, पहला बटन कुछ नहीं बोलेगा जो कि शिफ्ट बटन है, ये अकेले कोई काम नहीं करता इसलिए ये अनाउंस नहीं करेगा। आगे चलते हैं इसके ZXCVBNM, फुल स्टॉप यानी स्लैश, और उसके बाद फिर एक बटन है जो कि साइलेंट है, इसे भी हम सिंगल यूज नहीं कर पाते क्योंकि ये शिफ्ट बटन है और ये अकेले कोई फंक्शन नहीं करता। उसके बाद लास्ट वाली लाइन को देखें, अगर आप इससे ऊपर जो हमने लाइनें पढ़ी हैं, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप, इसमें ये सारी की सेम टू सेम होंगी। और अब हम सबसे नीचे वाली यानी अल्फाबेटिकल कीपैड की पांचवी लाइन को डिस्कस करते हैं। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो स्पेस बार को प्रेस करके देखें और उसकी लेफ्ट साइड पे गिनें कितनी कीज़ हैं आपके पास। लेफ्ट साइड पे 3 कीज़ होंगी और राइट साइड पे 4 कीज़ होंगी। लेफ्ट साइड पे स्पेस की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऑल्ट, और ऑल्ट की लेफ्ट साइड पे विंडो, फिर इंतहाई लेफ्ट कोने में कंट्रोल बटन होगा। फिर अगर हम और स्पेस के ऊपर रहते हुए आए राइट साइड पे तो पहला ऑल्ट, फिर विंडो, फिर एप्लीकेशन की, और फिर लास्ट वाला कंट्रोल बटन होगा। यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर में राइट साइड पे 4 बटन होंगे और लेफ्ट साइड पे 3 बटन होंगे। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे 4 कीज़ होंगी और राइट साइड पे 2 या 3 कीज़ हो सकती हैं। स्पेस की लेफ्ट साइड पे पहला ऑल्ट बटन होगा, फिर विंडो बटन होगा, और फिर FIN की इसको कहते हैं, ये हर लैपटॉप में लाजमी होगा, और उसके बाद कंट्रोल बटन होगा। यानी ऑल्ट, विंडो, फिन की और कंट्रोल लेफ्ट साइड पे होंगे 4 कीज, राइट साइड पे अगर आपकी 2 कीज हैं तो ऑल्ट और कंट्रोल होगा, अगर आपकी 3 कीज हैं तो ये ऑल्ट, एप्लीकेशन और कंट्रोल होगा, राइट साइड पे किसी सूरत में भी आपका विंडो बटन लैपटॉप में नहीं होगा। तो ये थे हमारे सेकंड पार्ट जो कि अल्फाबेटिकल कीपैड था।